अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी तरफ से तमाम दुनिया के मुसलमानों को, बिलखसूस वादी और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ये मुबारक। बस इतनी गुजारिश करूँगा कि अपने दाएँ बाएँ जो हमारे गरीब भाई बहन, हमारे हमसाए, जो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पिछले 3-4 साल से जो फाइनेंशियल पोजीशंस हमारी हैं, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है यहाँ जम्मू कश्मीर की, उसका ध्यान रखते हुए आप भी ईद मनाएं और अपने जो हमारे दाएं बाएं जो गरीब गुरबात हैं उनको भी ईद मनाने में अपनी तरफ जितना हो सके उतना मदद करें। बाकी वसलाम, मेरी तरफ से एक बार फिर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से तमाम उम्मती मुस्लिमा को ईद मुबारक। आइए सब लोग मिलकर इस ईद पे गरीबों के लिए काम करें, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें और ये ईद सादगी से मनाएं। हमारी एलजी सरकार से गुजारिश है कि आज के इस बड़े दिन पे कम से कम आप अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए राशन गाँटों पे राशन अवेलेबल नहीं है, बिजली का टैरिफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो हमारी एलजी सरकार से गुजारिश है कि आज इस बड़े दिन पे आपसे गुजारिश है कि अगर आप आज कश्मीर के और जम्मू के आवाम के लिए ये चीज़ों पे ध्यान देंगे, राशन गाँठों पे राशन नहीं है वहाँ राशन की अवेलेबिलिटी रखेंगे तो शायद यहाँ के लोग भी आपको दुआएं देंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से आप सबको ईद मुबारक और आप सब से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें। खुदा हाफिज़। आप रखा, आपका चेहरा नहीं है, चेहरा किसी का नहीं, चेहरा नहीं है, ये खाली पर किसने कर कर आए हैं पूरी दुनिया में, ईद पे जी पूरी हमारी अहली आवाम को और जो भी हमारी उम्मा है उसको हमारी तरफ से, हैप्पी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक। अच्छे से ईद मनाएंगे, कुर्बानी का जो इसमें बड़ा एक फ़र्ज रहता है, कुर्बानी करें वो बांटें, गरीब जो हैं, जो फैमिलीज हैं जिनका उतना गुजारा नहीं है उनका। ईद उल जुहा के मौके पर मैं अपनी तरफ से और सिख बरादरी की तरफ से, ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से साथ में ये भी कहता हूँ कि आप लोग जो ईद की खुशियाँ हैं वो आस पड़ोस के गरीब लोगों के साथ भी आप उसको मनाइए और उन्हें भी एहसास दिलाइए कि हम सोसाइटी जो है सब मिल के ईद जो है वो यहाँ मनाएं और खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से पूरी दुनिया को और अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से वादी के लोगों से कि अगर आप के हमसाया या आपके इलाके में कोई गरीब गुरबात है उनका ख्याल रखा जाए, ये देखा जाए कि क्या उनके घर में बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है, तो अपने से पहले उनकी मदद की जाए,
सवाब का काम भी है और इंसानियत का तकाजा भी। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मैं मोहम्मद एजाज, स्टेट मीडिया हेड जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी। पूरे मुस्लिम उम्मा को अमूमन और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन इस ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहते हैं, और इस ईद पे खुशियां और मसरत दोबाला करने के लिए उन गरीब मसाकीन का ख्याल रखें जो इर्द गिर्द रहते हैं, ताकि वो भी अपने ख़ानदान, अपने बच्चों को इन ईद की खुशियों में शामिल करें। और हम इस जम्मू कश्मीर जो सोबतों से गुजर रहा है, दस्त दुआ करें अल्लाह ताला से इन मुसीबतों से जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द निकालें। तमाम आले इस्लाम को, खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारक हो, और हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें अब अमन, तरक्की और खुशहाली अता करे। और खासकर ये गुजारिश है लोगों से, जो अपने हमसाया है, गरीब है, मोहताज है, कोई मिस्कीन है या कोई बीमार है, इसका खास ख्याल। मैं अपनी तरफ से तमाम वादी कश्मीर के लोगों को और उमूमन और अहले इस्लाम को खुसूसन और फ्रूट ग्रोवर्स को भी खुसूसन ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर ईद मुबारक पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ जो अल्लाह ताला ने इसमें जो नियामतें हमें बख्शी हैं, हमें भी उनका हकदार बनाए। मेरी गुजारिश है कि हम मौजूदा हालात के पेश नज़र, जो कि हमारे इक़्तिसादी हालात अभी ठीक नहीं हैं, लोगों से अपील है कि वो ईद सादगी से मनाएं। शुक्रिया। मैं स्वती मोहिदीन, प्रेसिडेंट साउथ श्रीनगर ट्रेडर फेडरेशन, आलमी इस्लाम, मुसलमानानी कश्मीर व ताजरानी कश्मीर को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद अमन और शांति का पैगाम लेकर आए और हमारा ये कश्मीर दिन दुगनी और रात चुगनी करके करे। साहब सरवत लोगों से अपील है कि वो गरीबों, मिस्कीनों और नादारों का ख्याल रखें और उन तक कुर्बानी का गोश्त भी पहुँचाएँ। आखिर में मैं सोफी मोहिदीन, प्रोप्रेटर हिलो मकफर्स, द मैनुफैक्चरर्स ऑफ फर्स्ट फोर्टिफाइड ब्रेड ऑफ नॉर्थ इंडिया, तमाम मुसलमान कश्मीर को दिल की उन्हीं गहराइयों से ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ। हमारा यही पैगाम है ईद पर कश्मीरी लोगों से, खास कर कि ईद सादगी से मनाई जाए। इसमें हमें ख़ास तौर पर जो हमारे मिस्कीन भाई है, गरीब भाई है, उनका ख्याल रखना है। ईद सबके लिए एहसान है, हम सब मिलकर ये ईद करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ईद हमारे लिए मसरत का पैगाम लाए। खासकर हमारे आज जो हालात है बहुत बुरे हैं, कारोबार तबके के लिए अल्लाह ताला हमें बरकत करे, काम में बरकत करे, ये हमारी दुआ है। और अहले इस्लाम को मैं अपनी तरफ से, कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की तरफ से, ऑल कश्मीर गोल्ड वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से ईद मुबारक भेजता हूँ।
जाओ भाई, लगाना ही तो आ जाओ।